9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी अहम खबरें अब देख लेते हैं। वायुसेना के चीफ वीआर चौधरी का बयान, बोले चीन पाक के ज्वाइंट वेंचर पर रख रहे हैं नजर, जब तक चीन नहीं हटेगा तब तक एयरफोर्स एलएसी पर रखेगी नजर, रूस से भारत को मिले 3S-400 यूनिट। वीआर चौधरी बोले एलएसी पर चीन की हरकत पर नजर है, चीनी बड़ी तादाद में लगाए रडार और एयर डिफेंस सिस्टम, एलएसी की सिचुएशन कुछ साल पहले जैसी दिखाई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मुंबई में बैठक, 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से होगी शुरू, 6 अक्टूबर को बैठक के नतीजों का ऐलान। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित होगी नौ सेना की प्रदर्शनी, 2 दिनों की प्रदर्शनी में 75 स्वदेशी नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली के जैतपुर इलाके से गिरफ्तार किए गए आतंकी शाहनवाज का फ्लैट हुआ सील, कमरे से मिले हथियार और संदिग्ध किताबें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को की थी 3 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी, इन पर एनआईए ने रखा था 3 लाख रुपए का इनाम, गिरफ्तार आतंकियों में शहनवाज का भी नाम शामिल। यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी अरशद वारसी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जांच के लिए अरशद की ससुराल पहुंची जांच एजेंसी की टीम, 3 घंटे तक हुई पूछताछ। माता अमृता नंदमयी के जन्मदिन पर बोले पीएम मोदी, उनके मिशन प्रेम और करुणा का प्रसार निरंतर आगे बढ़ता रहे, पिछले 10 वर्षों में अम्मा के कार्य का प्रभाव कई गुना बढ़ा। लंदन से स्वदेश वापस लौटेगा शिवाजी का वाघनख, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के लंदन दौरे पर एमओयू साइन हुआ है, ब्रिटेन के संग्रहालय से वापस लाया जाएगा बाघ के पंजे से बना खंड। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, ग्रीन दिल्ली ऐप पर करें दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें, ग्रीन वॉर रूम में प्रदूषण पर रखी जा रही है निगरानी। और 9 सेकंड न्यूज में चीनी फंडिंग के खिलाफ हुए एक्शन से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। निजी न्यूज पोर्टल पर ईडी की कार्यवाही, दिल्ली के दफ्तर पहुंचे ईडी अधिकारी, पोर्टल पर चीनी प्रोपोगेंडा फैलाने का है आरोप, दफ्तर को किया गया है सील। निजी न्यूज पोर्टल पर ईडी की कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस बोली जनता की आवाज दबाने की हो रही है कोशिश। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले आलोचना करने वालों पर हो रही कार्रवाई इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं। न्यूज पोर्टल पर हुई छापेमारी पर अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल, कहा ईमानदार खबरनवीसों पर बीजेपी फरमानदारों ने हमेशा डाले हैं छापे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष को जवाब, कहा अगर किसी ने गलत किया है तो एजेंसी करेगी कार्रवाई, एजेंसी है आजाद। छापेमारी पर सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी बोले मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, छापेमारी की वजह पता नहीं। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात, देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।